सुकरात कहते हैं कि हम बहुत सी चीजों के बारे में तोते की तरह बात करते हैं, लेकिन उन्हें कभी करते नहीं। बोलना और न करना हमारी आदत बन गई है। हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें सबसे पहले उसने बात करना होता है। काफी लोगों को समझ नहीं आता है कि वे अपनी बात की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। हम दूसरे लोग से बात करने में काफी डरते हैं। इन सब का एक ही कारण होता है, बात करने ना आना। हम इस पोस्ट में जानेंगे कि किसी व्यक्ति से बात कैसे किया जाता है। बात करना किसी इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल काम नहीं होता है। हम बचपन से ही किसी से बात करना सीखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम किसी से बात करने से डरते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी से कभी भी बड़े आराम से बात कर लेते हैं। इन लोगों को बात करने की टिप्स पता होती है, जिसकी मदद से ये अच्छे से बात कर लेते हैं। किसी से बात करना मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल होता है बात को शुरू करना। बात शुरू करने में ही मुश्किल होता है। जब एक बार किसी के साथ बात शुरू हो जाता है तो उसके बाद बात को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। इस बात को अच्छे से याद रखें। बात करते समय धीरे बोले। किसी से अच्छे से बात करना है तो जब भी बात करें धीरे आवाज में बोलने की कोशिश करें। इतना भी धीरे ना बोले कि सामने वाले को सुनाई ही ना दे, लेकिन काफी तेज आवाज में भी ना बोले। धीरे बोलने से साफ आवाज निकलती है। इसके साथ ही सामने वाले को, जो आपकी बात को सुन रहा होता है, उसको काफी अच्छा लगता है। धीरे बोलने से हर बात दूसरे के मन तक पहुंचता है। गले से बात बोले। अच्छी बात करने का यह भी एक तरीका है कि बात को गले से बोले। दूसरे शब्दों में, जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें तो आवाज को गले से निकाले, ना कि नाक से। काफी बार ऐसा देखा जाता है कि लोग बात करते समय नाक से आवाज निकालते हैं। यह उनकी आदत बन चुकी होती है, लेकिन नाक से आवाज निकालकर बात करने से वह बात दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं आता है। इसके साथ ही नाक की आवाज से दूसरे को गुस्सा भी आता है, जिसके कारण अच्छे से बात नहीं हो पाता है। अच्छे तरीके से बात करने के लिए गले से आवाज निकाले, ना कि नाक से आवाज निकालकर बात करें। उदाहरण के साथ बात कहे। अच्छे से बात करने का तरीका यह होता है कि बात करते समय किसी अच्छे उदाहरण के साथ अपनी बात को कहा जाए। ऐसा करने से दूसरे काफी ध्यान के साथ हमारी बात को सुनते हैं। बात करते समय उदाहरण का इस्तेमाल करने से दूसरे समझ पाते हैं कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच है और इसका उदाहरण भी मौजूद है। इस तरह से बात करने का उदाहरण आपको हर कामयाब व्यक्ति में देखने को मिल सकता है। मीठे शब्दों का चयन करें। बात करते समय शब्दों का एक अलग ही महत्व देखने को मिलता है। जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो हम शब्दों के सहारे ही बात करते हैं। ऐसे में काफी ज्यादा अहमियत शब्दों का बात करने में देखा जाता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले को अच्छे लग सकते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले को बुरा महसूस करा सकते हैं। ऐसे में बात करते समय सही शब्द का चयन करना ही बात करने का अच्छा तरीका होता है। गलती होने पर तुरंत सॉरी बोले। जब हम किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब हमसे कुछ गलत शब्द भी बाहर निकल जाते हैं, या तो फिर हम किसी विषय व वस्तु के बारे में बुरा बोल देते हैं। ऐसे समय में हमें तुरंत सॉरी बोलना चाहिए। चाहे हम बड्ढे व्यक्ति से बात कर रहे हो या फिर किसी छोटे व्यक्ति से, अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो हमें तुरंत ही माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांगने से हम अपने शिष्टाचार को दिखाते हैं। दूसरे को बोलने का मौका भी देना। किसी से बात करने का यह मतलब नहीं होता है कि बस हम ही बोले। दूसरे को भी बोलने का मौका देना भी बात को करने का अच्छा तरीका होता है। अच्छे तरीके से बात करने के लिए दूसरे को भी बोलने का मौका देना होता है। जब हमारी बात खत्म हो जाए तब दूसरे को बोलने को कहना, ताकि दूसरे भी बोल सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं तभी दूसरे, जिससे हम बात कर रहे हैं, वह भी कुछ बोलना चाहते हैं। ऐसे समय में हमें शांत हो जाना चाहिए और सामने वाले को बोलने को कहना चाहिए। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। अच्छे से बात करने के लिए बात करते समय चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना जरूरी होता है। जब भी किसी से बात करें तो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। बात करते समय ज्यादा हंसना भी अच्छा नहीं होता है, धीमा हंसना भी काफी होती है। बात करते समय सामने वाले के आंखों से संपर्क बनाए रखना। जब भी किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो दूसरे व्यक्ति की आंखों से संपर्क बनाए रखना जरूरी होता है। आंखों में संपर्क बनाए रखने से दूसरे हमारी बात को ध्यान के साथ सुनते हैं। दूसरों को हमारी आंखों में सच्चाई दिख जाती है और हम दूसरों के बारे में भी जान लेते हैं। आंखों से संपर्क बनाकर बात करने से हमारा कॉन्फिडेंस भी नजर आता है। हम सामने वाले को दिखा पाते हैं कि हम कितने कॉन्फिडेंस हैं। कभी ऐसा भी होता है जब हमें एक साथ काफी लोगों के साथ बात करना होता है। ऐसे में एक एक व्यक्ति से आंखों का संपर्क बनाते रहे। नए लोगों से कैसे बात करें? चाहे हम दिखने में कितने ही आत्मविश्वास से भरपूर और बातूनी लगे, लेकिन अपरिचितों से बात करने में संघर्ष तो लगता ही है,
और यह संघर्ष परेशानी में बदल जाता है जब उस व्यक्ति को आप पसंद करने लगते हैं। ये हैं हमारे कुछ सुझाव नए लोगों से बात करने के लिए। मुस्कुराइए, एक अच्छी मुस्कान के बड़े फायदे हैं। एक तो आप खुद अच्छा महसूस करते हैं, दूसरा सामने वालों के लिए आपसे बात करना आसान हो जाता है। मतलब यह है कि एक अच्छी मुस्कान के सहारे लोगों के दिलों में उतरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा सोचें, किसी से बात करने जाने से पहले अपनी खूबियों को दोहराएं, जैसे मैं आज शानदार लग रहा हूं, मैं हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहता हूं। यह करने से सामने वाला आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। बात को आगे बढ़ाना। शुरुआत आसान विषयों से करें, जैसे कि हाल ही में आई किसी फिल्म के बारे में चर्चा करें या अपने पसंदीदा संगीत के बारे में भी बात कर सकते हैं। एक बार जब बातें शुरू हो जाएंगी तो वो आपके व्यक्तित्व के बारे में और जान जाएंगे। आए अपनी रुचियों के बारे में बात करें और देखें कि क्या आप लोगों की सामान चीजों में दिलचस्पी है। लेकिन सिर्फ अपने बारे में ही बात ना करते रहें, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करें। आए उनसे सवाल पूछें, बात करते वक्त उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें और यह संकेत लगातार देते रहें कि आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं और आपको उनमें दिलचस्पी है। जैसे कि यह जो गाना बज रहा है यह मुझे बेहद पसंद है, आपको किस तरह का संगीत पसंद है? मैं और मेरे कुछ दोस्त उस नए रेस्तरां में गए थे, कमाल का खाना था वहां, आपको किस तरह का खाना पसंद है? बात करने के लिए कोई सामान्य आधार ढूंढिए। एक बार जब आत्मविश्वास से बात करने पहुंच ही गए हैं तो अपना परिचय देने के बाद कुछ ऐसा विषय छेड़ दें जिसके बारे में आप दोनों के पास बात करने के लिए कुछ हो। आए आपको कुछ अनूठा कहने की भी जरूरत नहीं है, एक बड़े ही सरल से सवाल से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे क्या आप पहले भी यहां आ चुकी हैं? क्या आप और आपके दोस्त अक्सर इस जगह आते हैं? अगर किसी पार्टी में हैं तो पूछ सकते हैं कि आप मेजबान को कैसे जानते हैं। यह जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं आपके कुछ दोस्त उनसे भी परिचित तो नहीं है। आए बस हो गई शुरुआत। विनम्र रहे, अगर आप दोनों के बीच बात ज्यादा आगे ना भी आ पा रही हो तो विचलित ना हो। विनम्रता से उन्हें बता दें कि आपको उनसे मिलकर अच्छा लगा और उनसे जाने की अनुमति लेकर अपने दोस्तों के पास चले जाएं। आए हमेशा दोस्ताना रवैया अपनाएं। हो सकता है कि आप उनसे दोबारा मिलें और आप चाहेंगे कि वो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखें जो विनम्र था और इज्जत से पेश आता था। अपने पर भरोसा रखें। अगर आप किसी की NQL करेंगे तो कभी ना कभी जरूर पकड़े जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको सच में पसंद करें तो ईमानदार रहें। इसका यह मतलब नहीं कि अपने जीवन की और पूर्व रिश्तों की दुख भरी कहानी उन्हें सुनाना शुरू कर दें। पूरी ऊर्जा और उत्साह से अपनी बात कहें। कई बार हम अपनी बात पूरी ऊर्जा के साथ नहीं कह पाते हैं। हम अपनी बात कहना शुरू तो कर देते हैं पर हम कई बार नाक से बात करते हैं तो कई बार बिना एनर्जी के करते हैं, जिससे हमारी अच्छी से अच्छी बात भी प्रभावशाली नहीं रह जाती। इसलिए हमें बात करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। हम जो भी शब्द कहें उसे पूरी तरह से महसूस करके बोलें, शब्दों को सोचकर समझकर बोलें। अक्सर हम बात करते समय ये भूल जाते हैं कि हमें कहना क्या है। हम बात करते हुए कई बार ऐसा भी कुछ कह जाते हैं जो हम कहना नहीं चाहते हैं और बाद में अफसोस करते हैं। जब हम अपनी बात सोचकर कहते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सामने वाले से बात करने में होता है। हम अपनी हर बात सोच समझ कर कहते हैं और सटीक कहते हैं। इससे सामने वाले के सामने हम कॉन्फिडेंट रहते हैं और हम जो भी कहते हैं उससे सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रभावित होता है।